जो अपने देश में सुई नहीं बना सकते, वो अपने देश को तोड़ने की बात करते हैं। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूँ? तू कहे तो भोकू, तू कहे तो काटू। वाणि इच्छति यत् अहं भवतः कुक्कुरं भूत्वा अत्र निवसामि, वान् कथयति चेत् अहं भुक्कुतु अहं खादतु इति। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग HBTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। नाम योर होस्ट नेहा। फ्रेंड्स, वेलकम टू अ स्पेशल प्रोग्राम मस्ती की पाठशाला, जिसमें हम आपको दिखाते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में होने वाली मस्ती। और आज की मस्ती के लिए मैं आपको लेके आ चुकी हूँ पिंक सिटी की द इंडियन टेलीविजन एकेडमी में, यानी कि वो एकेडमी जहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ मस्ती। भाई, एक्टिंग सिंगिंग यही तो आखिर होता है मस्ती का मतलब। तो चलिए चलते हैं इस एकेडमी में और देखते हैं कि क्या वाकई इनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत अच्छा। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे रे? सरदार दो। वो दो और तुम तीन, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। क्या सोचा था? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। तूने मेरा नमक खाया है, चल अब गोली खा। नहीं सरदार। वेल, आज तो ना शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है कि इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग अभी इन स्टूडेंट्स की हमने देखी। और भाई, एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं तो भाई इतना अच्छा एक्ट तो खैर लाजमी था, क्योंकि इनके अंदर ना एक्टिंग तो मतलब ना बचपन से ही इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। चलिए, वैसे आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि एक्टिंग की लाइन में आप लोग आए हैं, क्यों आए? मैं जब छोटा था, स्कूल में था, टीवी देखता था, मेरे को पसंद था कि हाँ चलो मैं भी एक दिन ये करूँगा वो करूँगा। स्कूल के बाद मैं कॉलेज में जाना था, टीवी में जैसे कॉलेज होते थे, कॉलेज में जाते थे, डांस करते थे, फन करते थे, तो मेरी वो इमेज बनी हुई थी दिमाग में कि कॉलेज में यही सब होता है। उसके बाद कॉलेज गए, फिर वही पढ़ाई में 75% अटेंडेंस नहीं आएगी तो तुम डिबार्ड हो जाओगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ये वो। तो सबके प्रेशर ख़त्म होने के बाद जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद अब मैं अपना प्रोफेशन जो मेरा एक्चुअली मेरे को जो करना है उसमें मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्टिंग कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने कहा कि ना मूवीज़ में देख देख के हमारी एक इमेज सेट हो जाती है, यार कॉलेज जाएंगे तो इतनी सारी मस्ती करेंगे, फ़न करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। भाई, वो टू स्टेट्स की जो मूवी में हमें दिखाई थी कॉलेज लाइफ, उस तरह की लाइफ आपको मिली या नहीं मिली? नहीं, उस तरह की लाइफ कॉलेज में तो नहीं मिलती। उसमें तो कॉलेज में हॉस्टल्स में ही जो होता था वो होता था, हमारे तो गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री अलाउड नहीं होती थी। मेरा जो कॉलेज था उसके बगल में ही एक वुमेंस कॉलेज था, सेम कैंपस था, सेम ब्रदर्स का वो कॉलेज थे, ओनर थे वो, बट हमें उधर जाना भी अलाउड नहीं था, तो हम दूर से ही बस यूं करके बस दैट्स इट, यही सब होता था। मतलब इन्हें सबसे बड़ा दुख ये था कि इन्हें कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल थी, वहाँ पे मतलब आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। मतलब ये सबसे बड़ा इशू था आपके लिए कि यार क्या लड़कियों के आसपास भी नहीं फटकने दिया जा रहा है? ऑब्वियसली होता है ना, बॉयज़ कॉलेज में तो बच्चों के लिए लड़कियाँ एलियन हो जाती हैं और गर्ल्स कॉलेज में लड़के एलियन हो जाते हैं, बट हमारा कोएड था, उसके बावजूद भी हमारे जब बगल में वुमेंस कॉलेज था तो होता है एक अंदर से एक्साइटमेंट आता है, तो पढ़ने को भी दिल करता था, चलो जाओ ब्रेक होगा नीचे जाएंगे, हॉस्टल से लड़कियाँ बाहर आएंगी, देखेंगे बैठ के टाइम निकलेगा। मतलब भाई, ये तो वही एक गाना भी इस तरह का आया करता था कि अब तो हमने कॉलेज भी मतलब एक रेगुलर जाना स्टार्ट बॉयज़ इसलिए कर देते हैं क्योंकि भाई लड़कियों के चेहरे देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा था कि मतलब आप कॉलेज जाते थे सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए? सी ए करते करते कॉलेज तो लाइफ छूट ही चुकी है, सी ए फाइनल में आकर, सी एस फाइनल में आकर, मैंने एक्टिंग का इतना शौक था कि सी ए फाइनल सी एस फाइनल दोनों छोड़ दिए और एक्टिंग में घुस गया। और अब जी जान से सुबह 7 बजे हम यहाँ आते हैं और रात को 7:10 भी बज जाते हैं, सर के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, सर इतना अच्छा सिखा रहे हैं। तो कॉलेज लाइफ तो नहीं देखी, पर उसके बाद घर राजा पार्क में, तो दिन रात राजा पार्क में रह लेते हैं जब भी टाइम मिलता है लड़कियों को देखने के लिए।
हाँ वेल मैं भी ये समझ गई थी जो राजा पार्क में इनकी आंखें चल रही थी कि भाई राजा पार्क में रहते हैं तो अच्छी अच्छी लड़कियां तो मतलब ना हमें दिन रात देखने को मिल ही जाती हैं। अच्छा इसके अलावा जब कभी आप स्कूल में थे, स्कूल के बाद एक क्या कॉलेज लाइफ आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि यार कॉलेज या स्कूल के बाद की जो लाइफ होती है क्या एक्सपेक्टेशंस थी उस टाइम? स्कूल में तो मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का था और कोएड स्कूल भी नहीं था, किस्मत ने तो शुरुआत से साथ नहीं दिया, तो अब सोचा एक्टिंग में आकर मूवीज़ में इतना अच्छा अच्छा होता है तो उसमें मूवीज़ में जाकर हम भी कुछ शाहरुख खान की तरह तो वही सब करेंगे। वेल सही बात है ना, आप इनके चेहरे पर बिल्कुल ना जाएं, ये जितने मासूम और सीधे दिख रहे हैं ना ये एक्चुअल में उतने मासूम हैं नहीं, इनके अंदर भी ना वही चीज़ है। मतलब लड़कों के साथ तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी लाइन को अगर चुन रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न यही है लड़कियां, कि भाई स्कूल में हमें वो मौका नहीं मिल पाया, कोएड स्कूल में नहीं थे हम लोग, तो भाई अब एक्टिंग लाइन ही चुन लेते हैं, क्या पता कोई अच्छी अच्छी लड़कियाँ देखने को मिल जाए। अच्छा इसके अलावा जब कभी आप स्कूल में थे, स्कूल में ना बहुत ही एक डिसिप्लिन भरी लाइफ हम लोग हैं और कॉलेज में आने के बाद ना हमें ऐसा लगता है कि यार अब तो हमारे पंख ही लग गए, अब तो हम पता नहीं क्या कर जाएंगे, क्या कुछ था आपके दिमाग में? जी अभी मैंने तो कॉलेज लाइफ तो ज्वाइन की नहीं, तो स्कूल लाइफ में जो मैंने किया था मतलब, तो वहाँ पे भी लड़कियाँ थी तो जो हमारे टीचर्स होते थे तो वो तो मतलब अलाउ नहीं करते थे हमको लड़कियों से ना बात कर पाते थे ना कुछ, तो सोचते थे कि यार कभी कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे लड़कियाँ मिलेगी तो उनको वो करते थे। फिर छोटा हूँ मैं, 16 साल का है मेरा भाई अभी तो अभी कॉलेज लाइफ चल रही है भाई की, हमारे कॉलेज लाइफ अब तो मिली नहीं और अब एक्टिंग में आ गए तो फिर सोचा कि एक्टिंग में कुछ देख लेंगे लड़कियां। भाई का एक एक्शन बहुत ही अच्छा है, तो अपना तो एक्शन है। वेल मतलब ना मुझे लगता है कि मुझे तो लड़कों से तो अब एक्चुअली बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनमें से तो किसी से भी बात करो सबका एक ही इश्यू है कि यार हम आए सिर्फ इसलिए हैं कि हमें लड़कियां देखने को मिल जाए। और इन्हीं के पीछे तीन गर्ल्स बैठी भी हुई हैं, भाई कितने लकी हैं ये कि अब तक इन्होंने जो लड़कियाँ क्लासरूम में देखने को नहीं मिली थी वो अब इन्हें मिल रही हैं। अच्छा आपको कैसा लगता है, मतलब जो एक्चुअली जो आपके क्लास के बॉयज़ हैं वो तो सिर्फ हैं ही यहाँ इसलिए ताकि अच्छी अच्छी लड़कियाँ देखने को मिल जाए, आपने एक्टिंग लाइन को क्यों चुना? मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझको बचपन से ही शौक़ है डांसिंग का और एक्टिंग का, बचपन से ही शौक़ है। तो मैंने स्कूल में मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो शादी से पहले मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया था कि मैं, मम्मी पापा ने साथ नहीं दिया और किसी ने भी घर में साथ नहीं दिया कि मैं आगे बढ़ूँ, और टीचर्स वगैरह को मेरा डांस बहुत पसंद था लेकिन मुझको आगे सपोर्ट नहीं मिला। तो शादी के बाद मेरे पति ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और मैं यहाँ पर हूँ आज आप लोगों के सामने। अच्छा आपने कहा कि आपको बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, तो बचपन से ही ना हमारे दिमाग में कोई ना कोई एक बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस माइंड में होता है कि यार हमें इसका जैसा बनना है। किसे आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते थे? मैं माधुरी दीक्षित को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, सलमान खान मेरे को बहुत पसंद है और मैं माधुरी दीक्षित को ज़्यादा फॉलो करती हूँ, उनके डांस मुझे बहुत पसंद है और उनके जैसा डांस भी मैं कर सकती हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है कि मैं उनके माधुरी दीक्षित के जैसी डांस करूँ और उनके जैसी एक्टिंग करूँ, उनके जैसी बनूँ। मैं उनके जैसी बन तो नहीं सकती खैर, उनके जैसे थोड़ा मतलब क्या बात है, कितना शानदार कॉम्बिनेशन था माधुरी का जैसा डांस और दबंग खान जैसी एक्टिंग। भाई अब आपने दबंग खान यानी हमारे सलमान की बात करी दी है, आपने तो उनका कोई एक डायलॉग तो बनता ही है। मैम एक्चुअली मेरे को सलमान खान पसंद बहुत है लेकिन उनका डायलॉग नहीं याद नहीं है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, माधुरी का डांस इनका अभी हम देखेंगे क्योंकि माधुरी इनकी हमेशा से फेवरेट रही है। वेल इन्हीं के साथ ना एक और गर्ल बैठी हुई है जो बहुत देर से चुप है, बहुत ही साइलेंटली स्माइल कर रही है। इनसे पूछते हैं भाई क्या चल रहा है आपके माइंड में जो आप इतना आराम से धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं? कुछ खास नहीं, बस एंजॉइंग विद द फ्रेंड्स और वो लाइफ जो मुझे 12th तक नहीं मिली, आई होप कि मुझे अब मिल रही है। आई एम जस्ट एंजॉइंग द एनवायरनमेंट विच वी आर हैविंग राइट नाउ इन एक्टिंग क्लास, और अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट ये है जो मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन की उसके बाद से मेरी जो आई फील की मेरी जो रियल लाइफ शुरू हुई है वो अब शुरू हुई है, क्योंकि सर ने हमें सिखाया कि कैसे हमें हमारी लाइफ खुलकर बिंदास होकर जीना है। अब तक हम पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस पर चल रहे थे, ये नहीं करो वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, और अब एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने के बाद सर ने हमें इतना मोटिवेट किया इतना ज़्यादा कि सब फेल है, सब पीछे छूट गया है, बस एंजॉय करना लाइफ को, दैट्स ऑल। ओके अभी आपने कहा यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, मतलब किस तरह का एक डिफरेंस आप फील कर रही हैं कि स्कूल में जो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई वो अब आपको मिल रही हैं, क्या किन चीज़ों की आप बात कर रही हैं?
मैम मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि स्कूल्स में होता है कि बॉयज से बात नहीं करनी होती है आपको, आप अपने तक सीमित होते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अपने आप में रहना है, हमें मौका मिल रहा है कि हम जाएं बॉयज से इंटरेक्ट करें, बात करें, और जो ओपन माइंड वाली जो फील होती है ना वो अब हम जी पा रहे हैं। मतलब सबसे पहले अगेन एक पॉइंट नोट किया जाए कि इन्हें भी सबसे खुशी इस चीज़ की है कि भाई बॉयज़ से इंटरेक्शन का हमें अब तक मौका नहीं मिला था और फाइनली अब हमें वो मौका मिल गया कि अब हम बॉयज़ से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई चलिए, खैर ये वाली चीज़ें तो ना हर इस एज में होती हैं। अच्छा इसके अलावा और क्या डिफरेंस फील कर रही हैं आप? इसके अलावा ये सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ अभी एट प्रेजेंट इतना अच्छा माहौल मिल रहा है कि हम एक्टिंग को आगे मतलब अपने इस लोकल एरिया में एक्टिंग को हम आगे तक ले जा रहे हैं ना, नहीं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम इतने छोटे एरिया से अपने आप को प्रमोट कर सकें ना एक्टिंग में। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम यहाँ से अपना करियर की शुरुआत करें। अच्छा वैसे आपके जो बगल में बैठी हैं वो तो बॉलीवुड के दबंग खान और माधुरी दीक्षित की फ़ैन है, आप किसकी फ़ैन है? सॉरी, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड शिवम, शुभम इज सेइंग कि ये बोल दो कि तुम मेरी फ़ैन हो, सो ऑब्वियसली आई एम हिज फैन। खैर वैसे फ़ैन तो होना बनता है भाई, इतने स्मार्ट बंदे हैं इनकी क्लास में और इतने अच्छे एक्टर भी हैं। अच्छा बॉलीवुड की बात की जाए, बॉलीवुड में वैसे पहुंच ही जाएंगे आपके ये फ्रेंड, लेकिन इसके अलावा बॉलीवुड में आप किसको फॉलो करती हैं? वरुण धवन एंड रणवीर सिंह एंड इन एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट। यार देखो वैसे रणवीर सिंह का नाम ले तो दिया है बट मतलब प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें, दीपिका को कभी भी गुस्सा आ सकता है, आपने उसका नाम ले दिया है। अच्छा दीपिका आपको कैसी लगती है? शी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा वो इतनी हर फील्ड में वो नॉट एट ऑल इसीलिए शायद ही दीपिका की टक्कर में है और उन्हीं के जैसे फिगर मेंटेन करने में लगी हुई हैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम, कि कहीं दीपिका हट जाए तो मैं अपने आप को लाइन में लगा लूँ। वेल चलिए ये बातें हम और भी करेंगे, बट एक और गर्ल इनके साथ बैठी हुई है, एक्टिंग की ही दीवानी है ये भी। अच्छा आप किसके फ़ैन हैं बॉलीवुड में? एक्चुअली मैं ना सेलिब्रिटीज़ की वैसे फॉलो नहीं करती, मतलब वैसे फ़ैन नहीं, एक्चुअली मैं मूवीज़ के हिसाब से डिसाइड करती हूँ कि किस मूवी में किसने एक्टिंग अच्छी करी, उस हिसाब से फेवरेट। अच्छा तो अब तक में कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है या किस मूवी में आपको लगा कि यार इसकी एक्टिंग तो धांसू थी? जैसे किक में अगर आप देखा जाए तो सलमान खान, ठीक है, और एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी, वो जिस प्रकार उसने मतलब वो एक्ट निभाया था वो बहुत अच्छा था। अच्छा तो भाई आपने भी अभी बात कर दी बॉलीवुड के भाईजान की, तो भाईजान का कोई एक डायलॉग आप सुना सकते हैं? आई डिडंट रिमेंबर यार, मतलब ये तो बॉलीवुड के मतलब उन फैंस में से हैं एक्टिंग के जिनसे पसंद है इन्हें बॉलीवुड एक्टर्स, लेकिन कोई डायलॉग याद नहीं है। वेल अभी बॉयज़ की तो एक्टिंग अभी हमने देखी ही थी, इतनी अच्छी इन्होंने एक्टिंग दिखाई, और यहीं पे इन बॉयज़ में से ना एक हैं जो सनी बाजी के बड़े फ़ैन हैं, और सनी बाजी का डायलॉग तो फिर वही सुनना बनता ही है क्योंकि जहाँ एक्टिंग है वहाँ सनी बाजी तो हमारे हैं ही हैं। तो चलिए सुनते हैं इनसे सनी बाजी का एक डायलॉग। दूसरों को डराकर वो जीते हैं जिनके हड्डियों में पानी होता है। पानी कातिया तू क्या कहता है, तेरा कुत्ता बन जाऊं, तू कहे भोंकूं, तू कहे काटूं, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। तुम सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। हमें मांजलिका मांजलिका, मैं तुम सबको मार दूंगी। वेल अभी इतनी शानदार एक्टिंग हमने देखी, और भाई सच कहूँ भूल भुलैया कि मंजुलिका से मुझे इतना डर नहीं लगा था जितना आज मुझे डर लग गया। वेल डर वाला पार्ट हॉरर पार्ट तो निकल चुका है, और अभी हमने एक गर्ल से बात की थी जो माधुरी दीक्षित की बड़ी फ़ैन है, फ़ैन वो माधुरी दीक्षित की है लेकिन डांस वो हमें दिखाने जा रही हैं कैटरीना कैफ का। तो चलिए अब इन्जॉय करते हैं उनका डांस। Yeah.
इतनी सारी मस्ती अब इन लोगों के साथ हमने की, इतना अच्छा डांस इन लोगों का हमने देखा। अब उसके बाद एक्टिंग के स्टूडेंट है तो एक्ट तो बनता ही है। और जो अब हमारे साथ हमारी माधुरी दीक्षित जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डांस भी हमें दिखाया था अभी काला चश्मा पे। तो चलिए इनसे पूछते हैं भाई, अब क्या करके दिखाने वाली है ये हमको, कुछ नया क्या करके दिखाने वाले हो? मैम मैं एक ना आपको डायलॉग बोल के दिखाऊंगी, डायलॉग। भाई क्या बात है, वैसे मुझे लग रहा है कि इन सारे एक्टिंग के स्टूडेंट्स में से ये एक ही है जो हर चीज़ में सबसे आगे हैं, डांस हो चाहे एक्टिंग हो। चलिए तो अब इनका देखते हैं कि ये किसका डायलॉग हमें सुनाने वाली हैं। ये देखने आए हो कि मैं मर गई है जिंदा हूँ? यहाँ पर क्या लेने आए हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम चले गए, निकल जाओ मेरे घर से। आज मेरे पास बैंक है, बैलेंस है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है मेरे पास। मेरे बच्चे पे हज जताने चले आए तुम, उस टाइम कहाँ थे तुम जब मुझे बिना ब्याज माँ बना के चले गए? एक लड़की का ख्वाब होता है कि उसकी शादी हो, उसके घर में बारात आए, उसकी मांग भरे, उसके हाथों में मेहंदी लगे, उससे कोई प्यार करे, उसकी मांग उसको अपने साथ अपनी डोली में बिठा के लेके जाए, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? चलिए बहुत सारी मस्ती हो गई, बहुत सारी एक्टिंग भी देख ली, डांस भी देख लिया, वक्त है थोड़ा सा इमोशनल होने का। और भाई जो इस वक्त जनाब हमारे साथ हैं, ये हमें ले जाने वाले हैं वापस प्यार की राहों पर। और पता नहीं इनकी लाइफ में कितने दर्द हैं, वो शायद इनकी शायरी से हमें पता चल जाए। तो चलिए सुनते हैं इनसे एक अच्छी सी शायरी। बात वो नहीं है कि मैं कितना शरारती हूँ क्या हूँ, हाँ नोटोरियस था मैं कॉलेज टाइम पे, मेरे फ्रेंड्स भी थे। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैव ओके, मेरे एक दोस्त ने एक शायरी लिखी थी जिसमें उन लोगों का दर्द था जो जिनका प्यार सफल नहीं हो पाता, सम हाउ उनकी शादी कहीं और हो जाती है, तो वो अपना दर्द किस तरह एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह देयर लाइफ गोज ऑन। सो इट इज़ लाइक, लहरों को प्यार था किनारों से, लहरों को प्यार था किनारों से, उनकी शादी हुई सागर से, लहरों का प्यार उन्हें किनारों की ओर खींच तो लाता है, पर बदनाम ना हो मोहब्बत इसलिए वो वापस लौट जाता है। सो दैट वॉज द शायरी, बट मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है वैसे। हाँ ठीक है, आई एम अ फ्लर्टी गाय, रोमांटिक गाय। अच्छा अभी इन्होंने कहा आई एम अ फ्लर्टी गाय, रोमांटिक गाय। अच्छा क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र में फ्लर्टी गाय की? फ्लर्टी गाय की क्या होता है, कुछ लड़के होते हैं, एक होता है कि पर्टिकुलर लड़की देखी और एक एक्साइटमेंट लेवल आता है, नॉट जस्ट विद अ गर्ल, फ्रेंड्स में भी बैठे हैं तो एक मस्ती करने का लेवल आता है, तो आई थिंक दैट्स द फ्लर्ट ऑफ अ कैरेक्टर। फ्लर्ट ऑफ, मैं बैठा हूँ, मेरे को बोर होके नहीं बैठ सकता, मैं एक जगह पर एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, कुछ हुआ मेरे को कुछ करना है। अच्छा कभी ऐसा हो कि आप क्लास में बैठे हैं, सडन एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही स्मार्ट सी लड़की आपकी क्लास में एंटर होती है एंड आपका मन किया फ्लर्ट करने का, क्या करेंगे आप? पहले तो जब वो एंटर होगी, क्लास चल रही होगी, तो आई विल बी लाइक, उसके बाद आई विल स्टार्ट लुकिंग एट हर। क्लास में कुछ कर नहीं सकते। ओके, इन्होंने अभी क्या क्लास में कुछ कर नहीं सकते। भाई क्या क्या इच्छाएं हैं आपके अंदर कि भाई फ्लर्ट करने का आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है कि कैसे फ्लर्ट करते हैं? नहीं, टीचर होता है सामने तो एक्चुअली उससे बात नहीं कर सकते, वो आती है टीचर के पास आती है, कभी कभी एक्सपेक्ट करता है दिल कि काश यार ये मेरे को ही बुला ले बाहर, पर वैसा होता नहीं है, वो किसी काम से ही होती है और चली जाती है। एक बार मेरे साथ कॉलेज में एक इंसिडेंट भी हुआ था, एक बी सेक्शन की गर्ल थी, तो वो वहाँ पढ़ती थी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, क्लास काफ़ी सारी थी, तो वो क्लास में एंटर की किसी काम से, वो क्लास में एंटर की, तो 2-3 स्टार्टेड हूटिंग, माई फ्रेंड्स स्टार्टेड हूटिंग, मेरा नाम हर्ष हर्ष, वो 2-3 से 4-5-6-7 एंड द होल क्लास स्टार्टेड हूटिंग हर्ष 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 हर्ष, वो बिना काम करे बाहर चली गई कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होके, क्लास पूरी नॉर्मल होके वापस आई, सर ने डांटा हमें उसके बाद, हालांकि सर के चेहरे पे भी एक स्माइल आई थी और मैं बिल्कुल ये था।
मतलब भाई कोई अब इतनी अच्छी सी लड़की क्लास में एंटर हुई है तो स्टूडेंट्स भाई सर भी थोड़ा बहुत कभी कभार तो स्लिप हो ही जाते हैं, उनका भी तो कभी मन कर ही जाता है। अच्छा अभी आपके फ्रेंड से हमने बात की और फ्लर्टी गाय की डेफिनेशन हमने सुनी, आपको क्या लगता है कि लड़कियाँ किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होती है? लड़कियाँ किस चीज़ से ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं? इट डिपेंड्स कि जो अगला बंदा आपको फ्लर्ट कर रहा है वो किस वे में आपसे आपकी बात शेयर करना चाह रहा है ना, वो कैसे आपको फील करा रहा है, आपको अच्छा फील कराता है या बुरा फील कराता है, वो टोटली उस बंदे पे डिपेंड करता है ना। और अगर हम पर्टिकुलर आपकी बात करें तो क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छा फील करा सकती हैं कि आपको लगेगा कि यार नहीं यार ये बंदा है जो परफेक्ट है, क्या डेफिनेशन है उसके लिए? परफेक्ट बंदा होने के लिए मुझे लगता है एक लड़की के लिए यही होता है कि कितना केयरिंग है गाय, कितना लविंग है वो, उसका कितना ध्यान रखता है ना, और कितना उसके बारे में सोचता है और कितना उसको सपोर्ट करता है अपनी लाइफ में और फैमिली में भी। दैट्स ऑल। वेल जब अभी ये बता रही थी कि बंदा केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, तो ये जो साइड में लड़के खड़े हैं ना ये अपने आप में सोचने लग गए थे मनी मन कि यार हम केयरिंग है या नहीं है, हम लविंग है या नहीं है। अच्छा आपको अगर ऐसा चांस मिले कि किसी लड़की को आपको अप्रोच करना है, बहुत ही एक मस्त सी बंदी आपकी क्लास में एंटर हो चुकी है उसे अप्रोच करना है, तो कैसे करेंगे आप? मैं तो जाऊँगा, काला चश्मा लगाऊँगा और जाती हूँ, हाय दिस इज शुभम, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? बस, और वो दोस्ती कर ही लेगी, भगवान ने इतना अच्छा दिया है शक्ल। वेल ये तो फुल शाहरुख वाले फील में है कि बस गए हम लोग लड़की के सामने और डायरेक्ट वही कि हाय माय नेम इज राहुल, नाम तो सुना ही होगा। वेल ये शाहरुख का फेवरेट डायलॉग है। अच्छा इसके अलावा आपको क्या लगता है कि लड़कियाँ किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं? लड़कियाँ पहले तो लोग कहते थे पैसों से इम्प्रेस होती है, पर ऐसा नहीं है, लड़कियाँ आपके नेचर से, आपके दिल से, पर्सनैलिटी से, उन सबसे इम्प्रेस होती है। वेल इनका इशारा था खुद की पर्सनालिटी की तरफ और इन्हें बोलना पड़ गया कि लड़कियां दिल से इम्प्रेस होती है। चलिए खैर और भी खूब सारी मस्ती करेंगे और भी खूब सारी इन लोगों से हम बातें करेंगे क्योंकि भाई मस्ती का दौर तो अभी जारी है। धोखा है प्यार, यार प्यार है धोखा।
इतनी अच्छी एक्टिंग और इतने अच्छे डांस के बाद अब वक्त हो चला है कुछ सुनने का भाई। इतने अच्छे अच्छे सिंगिंग के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे गाने हमें सुनाए और अभी कुछ और गाने भी इनसे सुनना बाकी, तो चलिए सुनते हैं इनसे अब एक ग्रुप सॉन्ग। बात करते हैं द ITA इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर निश्चल भंडारी से और जानते हैं उनसे इस इंस्टीट्यूट और यहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में। सर, इंडियन टेलीविज़न एकेडमी जहाँ के स्टूडेंट्स से अभी हमने बात की आपके और बहुत सारी मस्ती भी की, तो सबसे पहले आप अपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इंस्टीट्यूट सबसे पहले तो क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते हैं इसलिए सबसे पहले जब बॉम्बे में हमारा इंडियन टेलीविज़न एकेडमी के जब डायरेक्टर जो मेन जो ओनर हैं शशि रंजन जी, जिनसे मिलना हुआ, तो सबसे पहले मन में यही ख्याल आया कि क्योंकि राजस्थान में प्रतिभा बहुत है लेकिन उस प्रतिभा को आज तक कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिल नहीं पा रहा था जो डायरेक्ट लगता है कि एक ब्रिज का काम करे। यहाँ पे बहुत अच्छा सिंगिंग है, बहुत अच्छा टैलेंट है सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में, लेकिन क्योंकि कई प्रतिभा पहुँच पाते हैं लेकिन कई जनों को पता नहीं होता। बॉम्बे जाने के बाद भी वो लोग इधर उधर भटकते हैं, उनको एग्जैक्टली ये भी नहीं पता होता किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये खोलने का मेन जो पर्पस ये था राजस्थान में, राजस्थान का होने के नाते इसलिए फिर सबसे पहले ख्याल आया कि ये यहीं पर जयपुर में खोला जाए। और इंस्टीट्यूट की स्थापना करने के पीछे मेन ये था कि यहाँ का टैलेंट को हम बॉम्बे ले जा सकें। सर, अभी यहाँ के स्टूडेंट से हमने बात की जो कि वाकई बहुत टैलेंटेड हैं, कोई एक्टिंग में है, कोई सिंगिंग में है, तो सबकी अपनी अपनी एक डिफरेंट टैलेंट है सब में। आप कितना एंजॉय करते हैं क्योंकि एक इस दौर से आप भी कभी निकले थे इस दौर से, तो कितना एंजॉय करते हैं आप इन स्टूडेंट्स के साथ? जिसको बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन लेवल, ये जो सेटिस्फेक्शन मन में मिल रहा है मेरे ख्याल से शायद इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मन में कभी किसी को मिल भी नहीं सकता। आज हमको इतना, अभी सिर्फ हमारी सिंगिंग क्लास स्टार्ट हुए 25 दिन हुए हैं। कल जब फराह खान आई, उनके सामने जब हमारे यहाँ की एक छवि लड़की छवि नाम की, उसने जब परफॉर्म करा, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले फराह का ये था कि कितने साल से सीख रही है ये आपके पास। जब हमने उनको बताया कि इसको सिर्फ 25 दिन हुए हैं, तो उन्होंने बोले इसको कुछ भी नहीं करना, इसको आप 15 तारीख को दिल्ली भेजो, इंडियन आइडल के ऑडिशन है और ये लड़की को मैं मेरे साथ लेके जाना चाहूँगी। तो जब इस तरह की चीज़ सुनते हैं तो एक मन में जो आत्मविश्वास जगता है और एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरे ख्याल से शायद वो मैं कुछ भी काम कर लूँ, कितना भी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब यहाँ के बच्चे को हम इस टीवी पे देखेंगे तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा मुझे लगता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। वेल, सही बात भी है कि अपने ही स्टूडेंट्स जब कुछ कर जाते हैं तो खुशी तो भाई मिलती ही है। अच्छा सर, वैसे इनके लिए अगर इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो इनके लिए तो यही पढ़ाई है, रेगुलर क्लासेस होती हैं। इस स्ट्रेस से निकालने के लिए या एक नया कुछ करवाने के लिए, चेंज के लिए क्या एक्टिविटीज़ आप इनके साथ वो करते हैं? हम लोग हर छोटे ओकेजन को एंजॉय करते हैं। इवन आज हमारे जो PR देखते हैं वो यहाँ नहीं है, वो अहमदाबाद हैं, उनकी बर्थडे हमने जयपुर में सेलिब्रेट कर ली। मतलब हमको लगता है कि कुछ भी ऐसा ओकेजन हो तो जिसमें हम लोग सब जने एक साथ इकट्ठे हों और एक साथ, कभी भी किसी के घर से कुछ स्पेशल बन के आता है तो हमारा काउंसलिंग रूम में हम सब नीचे बैठ के खाना खाते हैं। तो कहीं लगता नहीं कि हमको स्टूडेंट है, टीचर है, वो उस चीज से कभी भी हमको शायद ना तो फ़र्क लगा, ना हमने महसूस करा और ना बच्चों को महसूस होने दिया। शायद हमारी जो क्लास के टाइमिंग्स हैं वो 8 बजे से लगा के और 12 बजे तक हैं। एक्टिंग के बच्चों को शाम को 7 बजे तक हमको हाथ जोड़ के भेजना पड़ता है कि बच्चे अब चले जाओ घर पर, क्योंकि उनको माहौल ही नहीं लगता, उनको लगता है कि मैं घर में ही हूँ अपने,
इतना कंफर्टेबल माहौल है, इतना अच्छा है, उस चीज़ को हम भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वेल, सही बात है कि सेलिब्रेट करने का तो ना एक बहाना होना चाहिए, फिर चाहे कोई छोटे छोटे ओकेजन हो, अगर सबका साथ हो तो भाई मस्ती तो अपने आप हो ही जाती है। तो ये थे हमारे साथ आईटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर निश्चल भंडारी जी से, और इनसे भी हमने बात की जो और काफ़ी इन्जॉय किया, और साथ ही साथ यहाँ के स्टूडेंट्स से भी हमने बात की जिनके साथ हमने खूब सारी मस्ती की। और यहाँ पर आने के बाद भाई मैं तो कह सकती हूँ कि वाकई ये पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हमने मस्ती की द इंडियन टेलीविज़न एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ, जिनसे के साथ वाकई मस्ती करने में बड़ा मज़ा आया। वेल, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और नई मस्ती की पाठशाला में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जो अपने देश में सुई नहीं बना सकते, वो अपने देश को तोड़ने की बात करते हैं। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूँ? तू कहे तो भोकू, तू कहे तो काटू। वाले इच्छति यत् अहं भवतः कुक्कुरं भूत्वा अत्र निवसामि, वर कथयति चेत् अहं भुक्कुतु अहं खादतु इति।